प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो और प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। सुन सुभानी, अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो ये देखो, तुम्हारे लिए हमने एक बहुत आला चीज़ भाई से भाई की शॉप पे पड़ी थी, मुझसे रहा नहीं गया, तो इसलिए मैं ये तो ज़रूर दिखाना चाह रहा था। ये देख, ये तेरे लिए लिपस्टिक और ये हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट जवारजा से फिर हाजिर हुआ हूँ एक बिल्कुल न्यू आइडिया के साथ। और इस आइडिया की इम्पोर्टेंस आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के स्टॉक्स में सबसे हाईएस्ट स्टॉक जा रहा है पाकिस्तान टोबैको का, तो इस हिसाब से ये बिज़नेस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और नीड से ज़्यादा ये काम चल रहा है। सो मैंने सोचा कि ये बिज़नेस आइडिया कवर करना चाहिए और आप तक इस बात को पहुंचाना चाहिए, और बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं और जाके उमर भाई से बात करते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, सबसे पहले उमर भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपका इंटरव्यू कर सकें। तो आपको कितनी देर से ये काम स्टार्ट किया हुआ? सर हमारे ये बिज़नेस को 51 इयर्स हो गए हैं। तो हम बेसिकली मेरे ग्रैंडफादर थे, उन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, उसके बाद वालिद साहब, चाचा वगैरह, अब उसके बाद ये थर्ड जनरेशन इस बिज़नेस को होल्ड कर रही है। हमारा काफ़ी जिद्दी पुश्ती, यानी क्या कह सकते हैं हम काम। अच्छा माशाल्लाह से। अच्छा तो उन्होंने क्या इसी लेवल से स्टार्ट किया था या छोटे लेवल से स्टार्ट किया? बेसिकली जो मेरे ग्रैंडफादर थे दादा, वो छोटा काउंटर लगाते थे एक होटल के आगे 51 ईयर्स से पहले। तो उसके बाद 51 ईयर्स पहले, उसके बाद फिर उन्होंने थोड़ी मेहनत की, उसके बाद दुकान ले ली, एक दुकान थी, फिर आया ऐसे ऐसे करते करते अब हमारी 11 ब्रांचेज हैं लोअर में टोटल। और अच्छा यार, अगर मैंने कोई भी ऐसा बंदा उठ के ये काम स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या एक्सपीरियंसेस होने चाहिए और क्या क्या चीज़ें इस काम करने के लिए डिमांडेड हैं? यार इस बिज़नेस के लिए सबसे पहले तो एक्सपीरियंस, क्योंकि ये कोई सा भी बिज़नेस है तो उसमें आपकी पब्लिक डीलिंग है, आप हमारे पास हो, हर किस्म के बंदे ने आना है, किसी किस्म का भी थर्ड क्लास भी बंदा अगर जो है कोई सबसे लोएस्ट उसने 20 रुपए के भी सिगरेट लेने हैं तो उसने हमारे पास आना है। हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, हर काम से डिफ़िकल्ट मैं कहता हूँ हमारा काम है, क्योंकि हमने हर किस्म के बंदे को हैंडल करना है। लोग ड्रिंक करके भी आ जाते हैं, लोग नशे करके हमारी दुकान पे आते हैं, तो बदमाश ने भी हमारे पास आना, शरीफ ने भी आना, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है ये। एक्सपीरियंस इसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए हमारे बिज़नेस के लिए। तो जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं आप कैसे हैंडल करते हो? बर्दाश्त, वो हमारे कह लें जी, जितनी बर्दाश्त हमारे बड़ों ने कहा कि अगला जो मर्जी कह जाए हमने बर्दाश्त ही करनी है। मतलब कि रिएक्ट नहीं करते आप? जी बिल्कुल पेशेंस सबसे ज़्यादा ये जो है ना हमारे बिज़नेस में वो यही चीज़ है। काम करना, कोई भी काम करना, यानी क्या कह लें, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, सिर्फ पब्लिक डीलिंग आनी चाहिए, आपको कस्टमर से किस तरह आपने बात करनी है, भाई यही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट होती है। सही। और अगर मैंने छोटा सा सेटअप करना है, जैसे आपके दादा बाबू ने स्टार्ट किया, एक मैं छोटा सा सेटअप शॉप से स्टार्ट करना चाहता हूँ, कितनी इन्वेस्टमेंट आपके ख्याल से होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें मुझे रखनी चाहिए? सर नॉर्मली ये हमारा बिज़नेस, अब जिस तरह हमारा टाइप का बिज़नेस है, अगर हमारे बैकग्राउंड देखेंगे तो 51 साल हो गए हैं, अगर उसमें आप बैकग्राउंड में जाएँगे तो मेरा ख्याल कोई, जब दादा बाबू ने शुरू किया था तब खाली पान पत्ते बिकते थे, पान लगा के बेच दिया, अब तो एक ज़रा पान भी थोड़ा एडवांस हो गया, पान में इतनी वैरायटी आ गई, हज़ार रुपए का पान है, 500 रुपए का पान है, तो उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए। एक नॉर्मल अगर आपने दुकान करनी है तो 4-5 लाख रुपए में आप ये इजीली बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन ये बिज़नेस देखने में जितना आसान लगता है लेकिन उतना एक्चुअली है नहीं, बहुत मेहनत चाहिए इसके लिए, सुबह शाम हमें तो ख्वाब भी यही आ रहे थे हम पान लगा रहे हैं। ये बात है। अच्छा तो यार आपकी जो शॉप है इसकी सबसे क्या है स्पेशल चीज़ क्या है? स्पेशलिटी हमारी यार सबसे ज़्यादा काका पान शॉप, पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने फायर पान इंट्रोड्यूस किया, इंडिया से ये आया था, उसमें आग लगी होती है, मैं अभी आपको खिलाता भी हूँ आग वाला पान, तो ये हमारी स्पेशलिटी है। इसकी वजह से हम कराची भी जाते हैं इवेंट्स वगैरह करने, इस्लामाबाद जाते हैं, तो बड़े बड़े यानी कि जो इवेंट्स हैं उनमें हम लाजमी जाते हैं। अच्छा यार अपनी प्रोडक्ट लाइन बता दो सारी। सर हमारे पास जो पान की सारी वैरायटी है उसमें मुरब्बे बादाम वाला मीठा पान होता है स्पेशल, वो ज़्यादा रनिंग आइटम है, और उसके अलावा फ्लेवर पान है उसमें चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, कुल्फा, ब्लूबेरी, उसके अलावा हमारे पास ड्राई फ्रूट पान है, फायर पान है, कॉकटेल पान है, और एक है सोने के वर्क वाला पान है, वो भी 300 रुपये का, यानी कि हमारे पास डिफरेंट वैरायटी है, और जिस तरह का भी आपने पान लेना है तो वो हम लगा देते हैं। सही। अच्छा अगर आपको इवेंट्स वगैरह पे बुलाया जाए, जैसे कि वेडिंग्स पर या कुछ स्टॉल्स वगैरह पे, तो आप जाते हैं या नहीं? जी जी हम जाते हैं, जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं उसमें हम लाजमी जाते हैं। सही।
बल्कि अभी भी, अब इस्लामाबाद इवेंट आ रहा था उस पर भी हम जा रहे हैं इंशाल्लाह 10 दिन तक। अच्छा यार, आप क्या एडवाइस करोगे अगर जो लोग इस काम में आना चाहते हैं उनके लिए? सबसे पहले तो एक्सपीरियंस है, किसी दुकान पे लगाएं, आपको 4-5 साल लगाएं तजर्बा सीखें ये काम कैसे होता है कैसे नहीं, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। देखने में बड़ा आसान लगता है लेकिन एक्चुअली है बहुत मुश्किल काम। मुश्किलात बता देना ताकि वो मुश्किलात यही बता रहा हूँ ना कि हमें सबसे ज़्यादा जो हमें मुश्किल होती है ना इस बिज़नेस में कि हमारे पास जिस तरह के बंदे आते हैं ना तो हमने उनको टैकल करना आना चाहिए, क्योंकि हम बिज़नेस पे बैठ के हम ना लड़ाई कर सकते हैं ना किसी से बहस कर सकते हैं, तो हमें उनको टैकल करना है किस तरह हमने टैकल करना है हर किस्म के बंदे को, कोई बदमाश आ गया, कोई ड्रिंक करके आ गया, कोई भी बंदा है तो हमने उसको किस तरह उसको अपनी बात मनानी है, उसको अपनी चीज़ सेल करनी है। अच्छा ये बता दो कि इस काम में मैंने सुना है काफ़ी लोग कहते हैं कि अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन है, तो उसके बारे में थोड़ा आप गाइड कर दो। यार ये लोग कहते हैं, लोग बड़ा कुछ कहते हैं कि यार हर काम बड़ा आसान है, इस काम में बड़ा पैसा है, इस तरह लोग देख के काफ़ी बिजनेस कर भी लेते हैं 2-4 महीने बाद छोड़ जाते हैं इसी वजह से कि ये बिज़नेस जो है ना एक्चुअली खाली अगर आप पान का रखेंगे तो एक ऐसा दौर था कि जब आप 1 किलो पान बेच रहे हैं तो पूरे इलाके के सबसे अमीर तरीन इंसान है, तो आज आप 5 किलो बेच रहे हैं तो आप तब भी इलाके के अमीर इंसान या मिडिल क्लास बनेंगे, तो ये थोड़ा फ़र्क है। अब खाली पान बेचने से कुछ नहीं, अब हमारे पास जैसी वैरायटी है कि हम बोतल सिगरेट्स और ये सारी चीज़ें अगर हम रखते हैं फिर जाके कोई मार्जिन बन जाता है, क्योंकि आपको पता है रेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, बिल्स वगैरह इतने ज़्यादा हो जाते हैं, अब एम्प्लॉयज़ की सैलरीज वगैरह, तो अब इतना यानी कि इसमें मार्जिन रहा नहीं है जो पहले हुआ करता था। फिर रेशो में बता दें या परसेंटेज में? परसेंटेज तकरीबन 10-15% है इसमें, इस बिज़नेस में भी ना ओवरऑल। चलें ठीक है, थैंक यू। हाँ वेलकम सर।